नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शैंपू बेचकर बनाया विशाल कारोबार, 100 अरब डॉलर कमाने वाली बनी पहली महिला, मशहूर ब्रांड की मालकिन है। मालकिन से मिली। नेपाल एयरप्लेन क्रैश, पायलट ने गलत लीवर खींचा और क्रैश हो गया प्लेन, चली गई 72 लोगों की जान। नई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर बोला भारत, प्रत्यर्पित किए जाने पर भी बयान। सरकार को बलूच प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम, कहा मांगे नहीं मानी तो उठाएंगे कठोर कदम। गाजा में बिना एनेस्थेशिया दिए 1000 बच्चों के काट दिए गए हाथ, दिल दहलाने वाली है मासूमों से जुड़ी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में नए साल के जश्न पर लगी रोक, गाजा के समर्थन में पीएम काकड़ का ऐलान। हिंदू मंदिरों में चोरी और तोड़फोड़ करने वालों पर कार्यवाही को लेकर दबाव में आया कनाडा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सुन लो जिनपिंग ऐसी मौत मारेंगी, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया वीडियो। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड, जेसीबी चलती देख फूट फूट कर रोई रोहित की मां, बोली मेरे फौजी पति ने बनाया घर। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से किया इस्तीफा, नीतीश ने संभाली कमान। बिहार के मुजफ्फरनगर से दिल दहलाने वाली खबर, घर से निकला मटन शॉप का मालिक, पीछे से घात लगाए हमलावर ने, सिर पर मारी गोली। कोहरे का रेड अलर्ट, दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, इन चार राज्यों की बढ़ेगी परेशानी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। रामोत्सव 2024, अयोध्या में रामलला मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह पर 16 जनवरी से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम। प्रवीण तोगड़िया को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। बिहार, ललन बाबू को समझाना चाहिए था कि जो आदमी, इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में बंद पड़े घर से मिले 5 नरकंकाल, एक ही परिवार के थे मृतक। मोदी की विदेश नीति से रुकी कतर में भारतीयों की फांसी, भाजपा ने कहा यह भारत के कूटनीतिक प्रयासों की। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उतरेंगे 100 विमान, होगी पुष्प वर्षा। महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से होगी आमिर खान की बेटी की शादी, दिल्ली और जयपुर में होंगे 2 वेडिंग रिसेप्शन। क्रिकेट छोड़ राजनेता बने अंबाती रायजू, 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया घोषित, गिल अश्विन सहित 4 खिलाड़ियों की हुई छुट्टी। पाकिस्तान पर बरसे पैट कमिंस का टेस्ट क्रिकेट में कमाल, ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाजों की लिस्ट में हुए शामिल। बाइनेंस समेत 9 विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को मिला मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस, भारत में किया जा सकता है ब्लॉक। 1 जनवरी को एलपीजी के रेट होंगे अपडेट, चुनावी साल के पहले दिन 120 रुपये सस्ता हुआ घरेलू सिलेंडर। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।